Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. One Pass for 100 plus government exams, जिसमें आपको मिलेंगे 100 से भी ज्यादा courses, 3500 plus mock tests, 500 से भी ज्यादा PDF study notes आपको मिलेगा सिर्फ 149 रुपीज में। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू testbook.com। तो आई होप आप लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे, और हम लोगों ने जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि एक वीडियो बनाएंगे जिसमें बहुत सारे देश के अलग अलग जो है वो कोनों से हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमने उनका एक वीडियो बनाया है, हमने 4-5 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया था, ठीक है। तो आप लोग उस वीडियो को देखिएगा और आप भी अपनी सिचुएशन को बनाइए जिससे कि नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंक्लूड कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी हम लोग बनाने वाले हैं, तो वो वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा जिससे कि आप सभी लोग उसको देखिएगा। लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप किसी कोर्स की तैयारी करना चाहते हो तो आप यहाँ से टेस्ट बुक पास को खरीद सकते हो बहुत ही नॉमिनल कीमत पे। मतलब बुक माई शो पे आप जो मूवी देखते थे उससे एक मूवी के आप पूरे के पूरे एक अपने सिलेबस की तैयारी कर सकते हो। अगर हम लोग बात करें, अगर आपने ये भी खरीदा तो आपको कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने वाले हैं, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट करिए। सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, वीडियो को खत्म होने के बाद एक बार अपने डिस्क्रिप्शन में जरूर जाइएगा। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आने वाला है, ठीक है। तो फिजिक्स का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए क्या है। तो अभी आपको बताना है कि व्हाट इज अ क्वांटिटी और फिनोमिना दैट हैज टू इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, एक मात्रा जिसमें स्वतंत्र रूप से परिमाण और दिशा दोनों होती है, उसको क्या बोला जाता है। इट्स अ स्केलर, मेजरमेंट वेक्टर या स्टैंडर्ड यूनिट, क्या होना चाहिए सही जवाब। लोगों का मानना है कि सर होना चाहिए वेक्टर, हमारी ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें आपका परिमाण और दिशा दोनों की जरूरत होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। तो ये इसका सही जवाब है, जैसे कि पूरी की पूरी जनता बता रही है। तो 3 नंबर इज द राइट आंसर, 3rd नंबर इसका सही जवाब है, ठीक है। तो हम लोग अगर बात करें, जैसे मैं आपसे बोलूंगा 50 न्यूटन का फोर्स लगाना है, तो मैंने सबसे पहले तो आपको क्या दे दी, मैंने आपको मैग्नीट्यूड या परिमाण दे दिया 50 न्यूटन। लेकिन मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मुझे पुश करना है या पुल करना है। तो एक्चुअली मैं बहुत कंफ्यूज हो जाता हूँ, मेरे अंदर में अब भी कंफ्यूजन रहता है जब एक वो जो डोर लगा रहता है जिसपे लिखा होता है पुश या पुल, तो मैं जब भी जाता हूं तो मेरा माइंड ब्लॉक हो जाता है कि पुल को क्या करना है या पुश को क्या करना है। आई होप आप लोग भी इसको फील किया होगा, लेकिन मुझे ये बताना जरूर पड़ता है कि आपको पुश करना है या पुल, क्योंकि हमें बोल सकते हैं कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, यहाँ पर आपको वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। आगे इसके ऊपर और हम लोग बात करेंगे, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है सेलेक्ट द इनकरेक्ट रिगार्डिंग द बिंबसार। बिंबसार के बारे में बोल सकते हैं गलत क्या था वो आपको पिक करना है, ठीक है। वो उनको हम लोग सेनिया भी बोलते थे, वो हर्यक डायनेस्टी के संस्थापक थे, अजातशत्रु उनका पुत्र था और महावीर का समकालीन था, वे अंग राज्य के तीनों जीतने में सक्षम हो सके थे, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि सर सी नंबर जो है वो सही होता है, बाकी के लोग भी सोच करके बताएं, सिर्फ 3-4-5 ही लोग जवाब दे रहे हैं, चाहते हैं कि सभी लोग जो है वो इसके बारे में बताएं कौन सा सही नहीं था। तो यहाँ पर लोगों को लगता है कि सर 3 नंबर होना चाहिए, 3 नंबर क्यों लगता है उनको, क्योंकि यहाँ पर जो सही जवाब है उन्होंने अंग प्रदेश को जीत लिया था, अजातशत्रु को उन्होंने भेजा था अंग में और अंग प्रदेश को भी जीत लिया था, और यहाँ पर लिखा है कि उन्होंने किसको काउंकर नहीं कर पाए थे, यहाँ पे 4 नंबर इज द राइट आंसर। चलो हम बिंबिसार के बारे में बात करते हैं। बिंबिसार जो कि हर्यक डायनेस्टी के राजा थे और इनके पास एक बहुत बड़ी सेना थी, इसीलिए इनको सेनिया भी बोला जाता था। इनका जो सबसे फेमस कैरेक्टरिस्टिक थी कि ये अपने राज्य को बढ़ाने के लिए इन्होंने बहुत सारे मैट्रिमोनियल अलायंस किए, मतलब उन्होंने बहुत सारे जो हैं वो वैवाहिक संबंध किए, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल था इन्होंने बोल सकते हैं कि कौशल देश की राजकुमारी के साथ शादी की, ठीक है, और उसके बाद से इनको बोल सकते हैं कई सारे राज्य बोल सकते हैं दहेज मिल गए, जैसे कि काशी जो है जनपद इनको प्रसन्नजीत ने बोल सकते दहेज में दे दिया था।
उसके बाद से यहाँ पर तीसरा, जिन लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि हमारे जो अजात शत्रु थे वो इनके पुत्र थे, जो कि गौतम बुद्ध के अंतिम काल में, मतलब यहाँ पर अंतिम काल से आप बोल सकते हो, अंतिम काल मतलब जब उनका डेथ होने वाला था उस समय, और महावीर शासन महावीर जी का जो जीवन काल था उनके समकालीन जो थे, बोल सकते हैं बिंबिसार थे। बिंबिसार जो है वो गौतम बुद्ध का जो बोल सकते हैं अंतिम पीरियड था उन्हीं के समय में थे, और महावीर भी जो है वो इन्हीं के समय में थे। और इनके बेटे का नाम क्या था? इनके बेटे का नाम था अजातशत्रु। तो ये पॉइंट भी सही है। और तो एसएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे, तो वहां पर उन्होंने बिंबिसार को ही सही किया है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें क्वेश्चन इस तरीके से पिक करना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है? पीकॉक थ्रोन वॉज कमीशन्ड बाई, पीकॉक थ्रोन जो है वो किसने बनवाया था, जिसपे कोहिनूर हीरा जड़वाया गया था? यहाँ पर लोग बोले सर शाहजहां होना चाहिए, शाहजहां की तरफ लोग ज्यादातर जनता जा रही है। तो हमारा जो बोल सकते हैं कि मुगल एम्पायर के राजा थे ये सभी के सभी, उनमें शाहजहां ने दीवाने खास बनवाया था। दीवाने खास, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा किसने बनवाया था, तो दीवाने खास शाहजहां ने बनवाया था। और वहां पर बैठने के लिए इसने एक थ्रोन, एक सिंहासन को बनवाया, जिस सिंहासन का नाम था पीकॉक थ्रोन। क्या नाम था? पीकॉक थ्रोन, मयूर सिंहासन, जिसमें उसने एक हीरे को जड़वाया था जिसका नाम था कोहिनूर हीरा। लेकिन बाद में इसको 1739 में नादिर शाह ने इंडिया के ऊपर अटैक किया और अपने साथ उठा करके ले गया था। ठीक है, उस समय जो भारत का मुगल एम्पायर का राजा था उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है, इससे बहुत सारी चीजें जो है वो हमारे एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है? यहाँ पर आपको बताना है कि Who had introduced the doctrine of lapses in India? हमारे देश में राज्य अपहरण की नीति किसने शुरू की थी? लॉर्ड हस्टिंग्स ने, लॉर्ड कैनिन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, या लॉर्ड ऑकलैंड ने? किसने शुरू की थी, जल्दी से बताइए। तो यहाँ पर सैफू का मानना है, प्रियंका अभय यदुवंशी जी का मानना है कि सर होना चाहिए क्या, तो लोग बोल रहे हैं सर होना चाहिए डलहौजी, डलहौजी की तरफ जनता जा रही है। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी यहाँ पर सही जवाब है, जिन्होंने सबसे यंगेस्ट हमारे देश के गवर्नर जनरल थे, इन्होंने ये बोला कि जिस भी देश, जिस भी हमारे राज्य के पास उत्तराधिकारी नहीं है उसको हम अपने राज्य में मिला लेंगे। और सबसे पहले उन्होंने सतारा डिस्ट्रिक्ट को अपने साम्राज्य में मिला लिया। ठीक है, महाराष्ट्र का सतारा डिस्ट्रिक्ट को मिला लिया। इसके साथ साथ इन्होंने इंडिया में ट्रेन चलाई थी, ट्रेन के साथ साथ इन्होंने हमारे देश में इंडियन पोस्ट को एक नया रूप दिया था, क्योंकि इन्होंने इंडियन पोस्ट एक पूरा नया डिपार्टमेंट बना दिया था। और साथ ही साथ इन्होंने हमारे देश में टेलीग्राम को चलाया था, जिसको आप लोग तार बोलते हो हिंदी में। ठीक है, तो ये सारी सुविधाएं चलाने वाले थे हमारे लॉर्ड डलहौजी, यंगेस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है पंचायती राज की शुरुआत हमारे इंडिया में कौन से राज्य से की गई है? राजस्थान, तमिलनाडु, केरला या कर्नाटक? देखते हैं क्या होना चाहिए सही जवाब। मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है कि हमारे साथ कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर लोग बोले सर राजस्थान होना चाहिए, राजस्थान की तरफ जनता जा रही है। कि सर राजस्थान के राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में हमारे देश में पंचायती राज को जो है वो स्टार्ट किया गया था। तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। अगर मुझे एक बार पता चल जाए कि कितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो मेरे दिमाग में एक बॉक्स क्वेश्चन आ रहा है वो मैं पूछूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं पंचायती राज के ऊपर पहले बात बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारे देश में आर्टिकल नंबर 40 में बताया गया, आर्टिकल नंबर 40 राज्यों के नीति निर्देशक तत्व में, जिसमें ये बताया गया कि हमारे देश के हरेक गाँव में एक पंचायत होनी। लेकिन ये एक सिर्फ सुझाव था, क्योंकि हमारे देश के जो डीपीएसपी हैं वो सिर्फ एक सुझाव होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद से हमारे देश में जो सबसे पहले कमेटी बनी, जिसने ने बोला कि हमारे देश में 3-tier सिस्टम होना चाहिए, गांव में ग्राम पंचायत होनी चाहिए, फिर उसके बाद से पंचायत समिति हमारे ब्लॉक लेवल में होनी चाहिए, फिर जिला परिषद होनी चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए, उस कमेटी की रिकमेंडेशन को ध्यान में रखते हुए, सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत का आयोजन किया गया, जो कि हमारे राजस्थान में है।
ठीक है। उसके बाद से जो दूसरा स्टेट था उसका नाम था हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश हमारा दूसरा स्टेट था। उसके बाद से ये अभी कानून नहीं बना था, ये सभी राज्यों के लिए मैंडेट नहीं किया गया था। हमारे देश में एक संविधान संशोधन होता है जिसका नाम है 73rd अमेंडमेंट, जिसको हमारे 1992 में कानून बना दिया गया था, लेकिन ये पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ 1993 में। उसके बाद से हमारे देश के नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट को छोड़ करके सभी राज्यों को पंचायती राज को अनिवार्य कर दिया गया। तो मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप अपना नाम बॉक्स के अंदर लिखवा सकते हो, बहुत ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा कि जब ये 1993 में कानून के रूप में इन्फोर्स किया गया तो इस कानून को मानने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था। ठीक है, मैंने क्या पूछा कि सबसे पहले पंचायत कहां पर बनी थी, मैं पूछ रहा हूं कि हमारे देश में शेड्यूल 11 को जब ऐड किया गया तो सबसे पहले वो कौन सा राज्य था जिसने इसको इंप्लीमेंट किया था। जो बताएगा उसका नाम मैं इस बॉक्स के अंदर लिखूंगा। यहाँ पर लोग बोले सर केरला होना चाहिए, कुछ लोग गुजरात बोल रहे हैं, कुछ लोग राजस्थान बोल रहे हैं, आसाम बोल रहे हैं, पंजाब बोल रहे हैं, वेस्ट बंगाल बोल रहे हैं, तमिलनाडु बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक सही जवाब नहीं आया है। सही जवाब अभी तक नहीं आया है। बंगाली आसाम बोल रही है सर आसाम होना चाहिए, हिस्सा को भी आसाम, पंजाब, कर्नाटक, सही जवाब नहीं आ रहा है। तो आई थिंक, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई सही जवाब दे पा रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 24 अप्रैल 1993 में जिसने सबसे पहले किया था उसका जवाब दिया है रवि ने, और वो था हमारा मध्य प्रदेश। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 में एमपी ने शेड्यूल 11 को सबसे पहले अपने स्टेट में लागू किया और इसका सही जवाब दिया है रवि ने। तो यहाँ पर ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है इनमें से कौन सी ऐसी गैस है जिसका इस्तेमाल आप लोग गैस वेल्डिंग में करते हो। इट्स हाइड्रोजन कार्बन, कार्बन आपकी एसेटिलीन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या एसेटिलीन, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब, जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने लोगों को पता है। अच्छा, ललित ने भी दिया था कि एमपी होना चाहिए था। ठीक है, वेरी गुड, जितने लोगों ने एमपी बताया वो सही थे। तो यहाँ पर लोग बोले सर होना चाहिए 4 नंबर, मतलब ऑक्सीजन प्लस एसेटिलीन। ठीक है, जल्दी से सब लोग, जितने लोग ऑक्सीजन प्लस एसेटिलीन जानते हो सभी लोग एसेटिलीन का फॉर्मूला भी लिख करके बता दो, क्या होता है एसेटिलीन का फॉर्मूला, क्योंकि 4 नंबर जितने लोग भी बोल रहे हैं वो सही है। कार्बन एंड एसेटिलीन इसलिए नहीं होगा कि पहले से ही इसमें कार्बन होता है, जैसे यहाँ पे भी आप लोग फॉर्मूला लिख करके बताने वाले हैं, तो ऑक्सीजन प्लस एसेटिलीन को मिला करके हम लोग गैस वेल्डिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर पंकज ने बताया सर C2H2 और इसमें हमारे ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ठीक है, इस तरीके से ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है रिसु, जरा ध्यान से अभी आपको बताना है कि क्वार्ट्ज जो होता है, नॉर्मल जो क्वार्ट्ज होता है जिसको आप लोग बालू भी बोलते हो, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। मैंने आपको एक दिन समझाया भी था इसके बारे में, जल्दी से बता दीजिए क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। तो यहाँ पर लोग बोले सर होना चाहिए 2 नंबर, 2 नंबर की तरफ जा रहे हैं, जनता पूरी की पूरी 2 नंबर बोल रही है, क्योंकि हमारे जो सिलिकॉन होता है उसके अगर हम लोग देखें बैलेंसी कितनी होती है तो होती है 4 और ऑक्सीजन की होती है 2, लेकिन ये दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं जब भी हमारा फॉर्मूला लिखा जाता है, तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब हम क्या कर देंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, तो SiO2 इज द राइट आंसर, जैसे कि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, तो अभी आपको बताना कि जो हमारा स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जो हमारे मेल बॉडी में सबसे स्मॉल सेल्स होती है वो कहाँ पर होता है, ऐसा प्रोस्टेट, सीमल ग्लैंड्स, टेस्टिस, या आपका प्रोटम, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। यहाँ पर लोग बोले सर टेस्टिस होना चाहिए, तो यहाँ पर 3 नंबर इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है इमेज फॉर्म्ड बाय द कंट्रोल रे ऑफ रिफ्लेक्शन दैट वी गेट बाय द एक्सटेंडिंग द रे बैकवर्ड, परावर्तन को नियंत्रित किरण से बनने वाली छवि जो हमें हमेशा पीछे की तरफ बनती हुई दिखाई देती है वो कहां पर आपको मिलेगी, वो उसको क्या बोलते हैं, इसे कॉन्वेक्स, रियल, प्लेन, वर्चुअल, क्या बोला जाता है इसका सही जवाब क्या है, जो भी हमें मिरर के पीछे की तरफ बनती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर लोग बोले सर रियल होना चाहिए, रियल होना, रियल जो है वो हमारी पीछे की तरफ बनती है।
तो यहाँ पर लोगों का मानना है कि सर होना चाहिए कॉन्वेक्स। मैंने पूछा उस इमेज को क्या बोलते हैं, तो लोग बोले सर कॉन्वेक्स होना चाहिए। यहाँ पर कंफ्यूजन है थोड़ा सा। तो यहाँ पर जो भी हमारी मिरर के पीछे बनती है उसको राजीव जैसे बता रहे हैं, अंकित बता रहे हैं सर, वो वर्चुअल होती है, मतलब आभासी पीछे की तरफ बनती होती है, जैसे कि वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। अगर मैंने कोई भी यहाँ पर आपका फोकस के ऊपर कोई भी चीज रखता हूँ तो उसकी इमेज जो है वो हमारी बहुत छोटी सी बनती है और वो हमेशा मिरर के पीछे की तरफ बनेगी और हमेशा वो हमारी सीधी बनेगी। दैट इज नोन एज, जो भी पीछे की तरफ बनती है उसको हम लोग वर्चुअल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्चुअल इज द राइट आंसर। लेकिन अगर मैं मिरर पूछता तो कॉन्वेक्स हो जाता। तो यहाँ पर आई थिंक जितने लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे उनको पता चल रहा होगा कि यहाँ पर वर्चुअल जो इमेज होती है वो हमेशा पीछे की तरफ बनती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है जल्दी से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड कैन बी रन एट द स्पीड ऑफ 40 माइल्स पर आवर, 40 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाला कौन सा पक्षी है? जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन बताने वाला है। आई थिंक सभी लोग बताने वाले हैं इसके। यहाँ पर लोग बोले सर ऑस्ट्रिच होना चाहिए, 40 to 45 की स्पीड से ये दौड़ने वाला सबसे तेज रफ्तार का हमारा क्या है, हमारा पक्षी है। तो यहां पर अगर देखा जाए तो सबसे तेज रफ्तार से तो दौड़ता है 40 माइल्स पर आवर। ठीक है, अगर हम लोग कीवी की बात करें तो कीवी जो है वो काफी धीमा होता है, 90 माइल्स पर आवर की स्पीड में दौड़ता है। अगर पिकॉक को देखें तो लगता है ये काफी धीमा है लेकिन इसकी स्पीड भी काफी होती है, 30 मील पर आवर। और क्रेन मतलब सारस की बात करें तो इसकी स्पीड भी काफी होती है, अगर देखा जाए तो ये हमारा 10 की स्पीड में, क्योंकि इसके पास पंख होते हैं सफिशियंट, तो ये ज्यादा तेज नहीं दौड़ पाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, इसके जो एग होते हैं, ऑस्ट्रिच के जो एग होते हैं उसकी सेल सबसे लार्जेस्ट सेल होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में। अगर पूछा जाए सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है तो ये ऑस्ट्रिच का एग होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया फर्स्ट एंड लॉन्गेस्ट साइकिल हाईवे रन बिटवीन, एशिया का पहला और सबसे लंबा साइकिल राजमार्ग कहाँ पर है? इटावा और आगरा के बीच में, मुंबई और पुणे के बीच में, बेंगलुरु और मैसूर के बीच में, हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब तो बताइए। तो यहाँ पर लोग बोले हैं सर इटावा और आगरा के बीच में। ठीक है, इटावा और आगरा के बीच में 207 किलोमीटर तक लंबा, 7 फीट लंबा ये जो हमारा साइकिल मार्ग है, इसको शुरुआत जिसका बोल सकते हैं सिंबल ही साइकिल है, समाजवादी पार्टी जिसको आप लोग एसपी भी बोलते हो उसने की थी। ठीक है, ये लगभग 207 किलोमीटर लंबा है, साइकिल से जा सकते हो इटावा से आगरा, और 7 फीट तक लंबा है, 7 फीट तक इसमें सिर्फ साइकिल चलेंगी। ठीक है, इसकी शुरुआत हमारे समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन से रास्ते से सिकंदर ने हमारे देश में प्रवेश किया था, झेलम के रास्ते से, खैबर पास, काराकोरम पास या इंडस रिवर, क्या होना चाहिए सही जवाब? सोच करके बताइएगा, जल्दबाजी में जवाब देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर लोग बोले सर खैबर, कुछ लोगों को लग रहा है कि सर झेलम नदी, लेकिन अगर मैं यहाँ पर पूछता कि सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ाई कहाँ पर हुई थी तो आप लोग यहाँ पर झेलम या बिस्तृता रिवर बोल सकते थे, लेकिन वो जिसको पार करके इंडिया में आया था, जिस रिवर को पार करके आया था या जिस हमारे पास को पार करके आया था, उस पास का नाम था आपका कौन सा? उसका नाम था आपका खैबर पास। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नंबर जितने लोग बता रहे हैं वो सही है। आपका वो 326 BC था, हिंदू कुश पर्वत को पार करते हुए, खैबर दर्रे को पार करते हुए हमारे इंडिया में प्रवेश किया। झेलम नदी के किनारे उसने पोरस से लड़ाई की लेकिन ब्यास नदी के किनारे उसकी सेना ने जाने से मना कर दिया था। तो ये भी चीजें आपको याद रखनी है, खैबर दर्रा इज द राइट आंसर। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सब्सटेंस इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ, एनर्जी रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी को ऊर्जा देने के साथ साथ वृद्धि, उसको ठीक करने के लिए कौन से पोषक तत्व की जरूरत होती है, या कौन इस न्यूट्रिएंट्स, वाटर, कैलोरी या इनमें से कोई भी नहीं? तो पानी जो है वो हमारे बॉडी को
बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराता है, लेकिन वो हमारे बॉडी को डेवलप नहीं कर सकता है, एनर्जी नहीं दे सकता है, ग्रोथ नहीं दे सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ हाइड्रेशन या हमारे बॉडी में जो बोल सकते हैं डिहाइड्रेशन से हमें बचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सही जवाब है आपका प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, और इन सभी को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे सही जवाब न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है कि इनमें से हवा महल का आर्किटेक्ट कौन था? हु वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ हवा महल? लाल चंद्र विद्याधर, यूली चौधरी, प्रवीण मेहता। क्या होना चाहिए सही जवाब? यहाँ पर लोगों का मानना है कि सर एक नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग हवा महल की बात करें तो ये जयपुर में है, जैसा कि सभी को मालूम होगा। इसमें बहुत सारी झरोखे हैं, रेड और पिंक स्टोन से बना हुआ है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो इसको याद करना बहुत आसान है, 1799 में राजा सवाई माधव सिंह ने इसको बनाया था। ठीक है, महाराज सवाई प्रताप सिंह, सवाई माधव सिंह नहीं, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसको बनाया था। सवाई प्रताप सिंह, माधव सिंह दूसरे हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद से ये जो है ये हमारे जिस आर्किटेक्ट का उन्होंने सहारा लिया था उनका नाम था लाल चंद उस्ताद। हमारे यहाँ पे पहले जो आर्किटेक्ट होते थे ना उनको उस्ताद बोला जाता था, जो हमारे यहाँ पे टेलर्स होते थे उनको उस्ताद बोला जाता था, आजकल तो इंजीनियर्स बोला जाता है, पहले उस्ताद बोला जाता था। तो सही जवाब है लाल चंद उस्ताद इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, ईयर और आपको ये भी याद रखना है कि किसने बनवाया था। अभी आपको बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन अ कार बैटरी, इनमें से किसका उपयोग किया जाता है कार की बैटरी में? इज अ हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, एथेनॉइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गंगा जल मूवी देखे हो ना, यहाँ से वो तेजाब निकालता है या आपका एसिड निकालता है अपनी जीभ से, वो कौन सा एसिड होता है जो बहुत खतरनाक सा होता है? तो आप सभी लोग जानते हो पवित्र कर देंगे आज हम तेजपुर को, तो वो आपकी जो मूवी थी, मैंने तो वो मूवी कई बार देखी, मुझे काफी अच्छी लगती है। यहाँ पे सही जवाब क्या है, तो दैट इज आपका जो कार की बैटरी में लेड ऑक्साइड के साथ मिलाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। क्या बनाया जाता है? सल्फ्यूरिक एसिड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, लेड ऑक्साइड भी होता है आपका PbO और उसके साथ से H2SO4, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। ये है हमारा गंगा जल। चलते हैं, आप लोगों ने भी देखी होगी गंगा जल मूवी। हाँ, किंग ऑफ एसिड, बिल्कुल चंद्रकला ने बिल्कुल सही बताया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, अभी आपको बताना है कि ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या होता है? इसे C2H2C4H10C3H4C4H6, क्या होना चाहिए सही जवाब? तो यहां पर पंकज कुमार, तन्मय चौधरी, ये सभी लोग बोल रहे हैं कि सर होना चाहिए इट्स अ ब्यूटेन, ब्यूटेन की तरफ जा रहे हैं, C4H10, C4H10 की तरफ जनता जा रही है। तो सही जवाब है आपका C4H10। तो अभी मुझे पता तो नहीं चल रहा है कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, आई थिंक यहाँ से दिख भी नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको यहाँ से एक बॉक्स क्वेश्चन जरूर पूछ लेता हूँ क्योंकि ये सही जवाब है, C4H10 बिल्कुल सही है। अब मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछ रहा हूँ ये है कि आपके सामने जो ये आपका कंपाउंड लिखा हुआ है इसका IUPAC नेम बताओ, देखते हैं कौन बताने वाला है सही जवाब। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ C3H4, देखते हैं कौन बताने वाला है। प्रोपेन, सबसे पहले प्रदीप का जवाब है प्रोपेन, उसके बाद से प्रदीप मेहता। अच्छा, प्रदीप क्या, प्रदीप मेहता बता रहे हैं सर एथीन, प्रोपाइन। यहाँ पर सतीश का मानना है, ललित का मानना है सर प्रोपाइन होना चाहिए, प्रोपेन की तरफ भी लोग जा रहे हैं, और दिव्या कुमारी का मानना है सर प्रोपाइन होना चाहिए। देखो सबसे पहले एल्केन, स्पेलिंग देखो एल्केन, एल्कीन, और उसके बाद से एल्काइन, याद है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था, हमेशा कार्बन से हाइड्रोजन डबल से टू ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन से हमारे क्या हो जाएंगे दो, एग्जैक्ट दो रहेंगे, क्या रहेंगे एग्जैक्ट दो रहेंगे। उसके बाद से यहाँ पर क्या होगा, डबल से दो कम हो जाएंगे, हमें इसका इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, अब हमने देखा तो दिख रहा है डबल से दो कम, यहाँ पे कितना होना चाहिए, सिक्स होना चाहिए, लेकिन कितना हो गया आरोही,
हमारा हो गया 6 से 2 कम 4। किसको फॉलो करेगा? एल्काइन, लिख लो एल्काइन। आगे कितने आपके कार्बन है तो बोलोगे सर 3 है, तो क्या होना चाहिए? प्रोपाइन। सिंपल सा था, ऐसे क्वेश्चन गलत कर रहे हो, दैट इज प्रोपाइन। ठीक है, आई थिंक सभी को चमक गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे सही जवाब किसने दिया था? तो दिव्या कुमारी ने, जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया था सबसे पहले। ठीक है भैया, अगर गलत कर रहे हो तो प्लीज आईयूपीएससी को अच्छे से कर लो, नहीं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, आपके एग्जाम में आईयूपीएससी पूछी जाने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है विच गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। जल्दी से बता दीजिए, इजी क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन काफी बार कराया हुआ है, जल्दी से बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं फिर। तो यहाँ पर लोग बोले हैं सर हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजनेशन की आप बात कर रहे हैं जिसमें निकिल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कराते हैं, वनस्पति ऑयल को बनाते हैं वनस्पति घी से, वनस्पति घी पे हाइड्रोजन की रिएक्शन कराने के बाद निकिल कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके हाइड्रोजनेशन कराते हैं, और यहाँ पे सही जवाब क्या होना चाहिए? तो दैट इज 1 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सी कोल्ड ओशियन करंट है? जियोग्राफी का क्वेश्चन, जो कि हमारी बड़ी फेवरेट है जियोग्राफी, जल्दी से बताइए ये ओशियन करंट जो है इनमें से कौन सी ठंडी है? अगुलास, लेब्राडोर, गल्फ स्ट्रीम, अलास्का। नाम से ही पता चल रहा है ये कौन सी ठंडी होगी। यहाँ पर लोग बोले सर होना चाहिए लेब्राडोर, कुछ लोगों को लग रहा है अलास्का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने देखा भी होगा हमारे यहाँ पर एक डॉग्स आते हैं जिनको हम लोग लेब्राडोर बोलते हैं, उनके बाल होते हैं बड़े बड़े। रीजन क्या है कि वो कोल्ड जोन से आते हैं, कोल्ड जोन मतलब कनाडा के एरिया से हम उनको परचेज करके लाते हैं, और कनाडा में ही हमारे देश में एक बोल सकते हैं कि अटलांटिक ओशियन की एक करंट है जिसको हम लोग लेब्राडोर करंट बोलते हैं, जो कि आपकी कैसी होती है, जो आपकी पूरी तरीके से ठंडी होती है। बाकी आपकी अगुआस करंट है, ये आपका साउथ अफ्रीका में बहती है, इंडियन ओशियन की करंट है अगुआस। ठीक है, गल्फ स्ट्रीम सभी लोग जानते हो, गल्फ स्ट्रीम जो है वो आपकी अमेरिका में बहने वाली करंट है। ठीक, अलास्का भी अमेरिका में बहने वाली करंट है, और ये तीनों के तीनों हमारी वार्म करंट थी। यहाँ पे सही जवाब क्या है? तो यहाँ पर 2 नंबर जो कि हमारे अटलांटिक ओशियन में बहती है, दैट इज राइट आंसर। तो यहाँ पर आप इस तरीके से भी इसको कर सकते थे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है देख लीजिए। यहाँ पर प्लांट्स दैट हैव लॉस्ट देयर कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ, ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर प्रजनन करने की या बीज उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है, उनमें बीज कैसे उत्पन्न किया जाता है? ऐसा फिजन मेथड, इट्स अ वेजिटेबल प्रोपोगेशन मेथड, मल्टीपल फिजन मेथड या बडिंग। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा इस प्रोसेस को, कई बार आप लोगों के घर में जो गार्डनिंग करते हैं वो इसका इस्तेमाल भी करते हैं। तो हमने इसके बारे में शायद बात भी किया था कि अगर हमारे पास कुछ पेड़ होते हैं, जैसे कि हमारे रोज का ट्री हो गया, बनाना ट्री हो गया, ठीक है, ये ऐसे ट्रीज होते हैं जिनमें हम लोग ये प्रोसेस को अपनाते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कायिक प्रबंधन की विधि इसको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, 2 नंबर सही जवाब है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेसिकली आपका रोज में आपका जो बनाना है उसमें आपको देखने को मिलेगा। अभी आपको बताना है इफ पंचायत डिसॉल्व इलेक्शन विल बी हेल्ड इन, अगर पंचायत को भंग किया जाता है, हमने शुरू में पंचायत के बारे में पढ़ा भी था, अगर पंचायत को भंग किया जाता है तो कितने महीने में नए चुनाव कराए जाएंगे? 1, 3, 6 या आपको और कुछ भी और भी लगता है? तो यहाँ पर लोगों को लग रहा है सर कोई भी हमारे देश में पोस्ट होती है अगर उसको फुलफिल करना है तो 6 महीने के अंदर ही उसको फुलफिल करना है, दैट इज द राइट आंसर, 6 मंथ इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी आपको बताना है कि आर्टिकल 249 जो है वो हमारे कौन से एलिमेंट से रिलेटेड है? डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव पावर ऑफ पार्लियामेंट विथ रिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट ऑफ स्टेट। देखते हैं कितने लोग बताने वाले हैं। यहाँ पर जनता को लग रहा है कि सर, पंकज को लग रहा है कि सर 4 नंबर होना चाहिए, मैरी को लग रहा है सर 3 होना चाहिए, 3, उसके बाद से
नमन को भी लग रहा है, रिफु को भी लग रहा है, जनता को लग रहा है सर तीन होना चाहिए, कुछ लोग बोले सर हमें छोड़ देना चाहिए। और मैं आपको बताता हूँ ये आर्टिकल आपको नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये आर्टिकल और आर्टिकल नंबर 312 आज ही याद कर लेना जितने लोगों को नहीं याद है। ये दोनों आर्टिकल ऐसे हैं जिस जो हमारे राज्यसभा के पावर के बारे में बताते हैं, ठीक है, राज्यसभा के पावर के बारे में बताते हैं कि हमारे देश में जितने भी स्टेट लेवल की लिस्ट होती है, स्टेट में मतलब हमारे राज्य में अगर किसी डिपार्टमेंट को ऐड करना है, कोई नया डिपार्टमेंट बनाना है हमारे राज्य में, जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट पहले से है, ठीक है, मेडिकल स्टाफ पहले से होते हैं, ये सारे स्टेट के अंदर में आते हैं। समझ, सपोज करिए कोई नया डिपार्टमेंट बनाना है, सपोज कोरोना फाइटर्स नाम का एक नया डिपार्टमेंट हमारे स्टेट्स को बनाना है, तो उस कंडीशन में हमारे स्टेट में जो ये नया डिपार्टमेंट बनाएगा उसका नाम है राज्यसभा, और वो अपने आर्टिकल नंबर 249 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पर बोला सर 312 भी याद रखना है, तो 312 भी बता दीजिए। तो आर्टिकल नंबर 312 ये बताता है कि हमारे पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो ऑल इंडिया सर्विसेज की पोस्ट होती है, जिसको आप लोग IAS या IFS की पोस्ट होती है, इसमें अगर कोई नई पोस्ट को ऐड करना है तो उसमें उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास होता है। तो ये दो ऐसे केसेस होते हैं जिनमें राज्यसभा के पास लोकसभा से ज्यादा पावर होती है। एक आपका आर्टिकल नंबर 249 जिसमें वो स्टेट में राज्यों में कोई नए डिपार्टमेंट को जोड़ सकता है, और दूसरा है ऑल इंडिया सर्विसेज में किसी नई पोस्ट को ऐड करना। क्लियर हो गया सबको? तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, तो जल्दी से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्लांट हार्मोन दैट हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ स्टेम। मैंने आप लोगों को इसके पहली वाली क्लास थी जिसमें मैंने आपको प्लांट हार्मोन्स के बारे में कुछ बताया था। अभी मैंने आपको स्टेम का जो ग्रोथ होता है वो कौन सा हार्मोन करता है, देखते हैं कितने लोगों को याद है। यहाँ पर लोग बोले सर ऑक्सिन होना चाहिए, ऑक्सिन होना चाहिए, ऑक्सिन की तरफ जनता जा रही है। यहाँ पर सही जवाब जो है, जब जनता बोल दे तो उसको मान लेना चाहिए, जो ऑक्सिन है वो बिल्कुल सही जवाब है। हमारे जो प्लांट्स का स्टेम है उसको बढ़ाने में हमारे ऑक्सिन मदद करते हैं। अब कई लोग बोले कि सर हमारे क्या होना चाहिए, साइटोकोनिन होना चाहिए। साइटोकोनिन आपके लीव्स की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल होते हैं, हमारी पत्तियां जो बड़ी होती हैं उसके लिए हमारे साइटोकोनिन होती है। जिब्रेलिन्स की अगर हम लोग बात करें तो ये फ्रूट को प्रॉपर शेप देने के लिए, हमारे जो फल होते हैं उनको प्रॉपर शेप देने के लिए जिब्रेलिन्स का इस्तेमाल करते हैं। और इंसुलिन तो हमारे प्लांट्स में होता ही नहीं है, ये ह्यूमन में पाया जाता है, जो हमारे बॉडी में क्या करता है, हमारे बॉडी में शुगर को डाइजेस्ट करता है। तो आज की जो हमारी NTPC की क्लास होने वाली है वो 8 बजे, वो किसके ऊपर है, तो वो हमारे इंडोक्राइन सिस्टम के ही ऊपर है। मतलब आज हम लोग हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो 8 बजे हमारी जो NTPC CBT1 और CBT2 की क्लास है उसमें लाइव आने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम पूरा डीप में। तो यहाँ पर ऑक्सीजन सही जवाब था। अभी आपको बताना है हमारे देश के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे, राष्ट्रपति मुस्लिम कौन थे। इट्स मोहम्मद हिदायतुल्ला, जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद या APJ अब्दुल कलाम। क्या होना चाहिए सही जवाब, जरा सोच के बताइएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हमारे लिए। यहाँ पर लोगों को लग रहा है सर फखरुद्दीन अली अहमद होना चाहिए, कुछ लोगों को लग रहा है सर जाकिर हुसैन होना चाहिए, जाकिर हुसैन की तरफ ज्यादा जनता जा रही है, ठीक है, टॉमी चौधरी को छोड़ करके। तो यहाँ पर देखा जाए रवि क्या होना चाहिए सही जवाब, तो दैट इज जाकिर हुसैन साहब, हमारे देश के तीसरे राष्ट्रपति जो 1967 में इन्होंने कार्यभार संभाला था, बोल सकते हैं हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद। हमने जो वीडियो बनाया था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन का ही था, क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है। 17 अप्रैल को 1975 में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे देश के दूसरे राष्ट्रपति थे, आज ही के दिन उनका डेथ हुआ था। और उसके बाद हमारे 1967 में जो राष्ट्रपति बने थे उनका नाम था जाकिर हुसैन साहब, उसके बाद से फखरुद्दीन अली अहमद बने थे दूसरे नंबर पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, अभी आपको बताना है कि हाउ मेनी लॉ ऑफ मोशन डिड आइजैक न्यूटन फॉर्मुलेट। कितने नियम बताए थे न्यूटन ने गति के। हाँ, हिदायतुल्ला जो है वो टेम्परेरी PM प्रेसिडेंट थे, जो हमारे देश में बोल सकते हैं कि
सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे। यहाँ पर लोग बोले हैं सर होना चाहिए तीन लॉ तीन नियम बताए थे, इसमें आप सभी लोग जानते हो सबसे पहले जड़त्व का नियम या इनर्सिया का लॉ ऑफ इनर्सिया आता है, दूसरे नंबर पे हमारा फोर्स की डिफिनेशन आती है, उसके बाद से तीसरे नंबर पे आता है हमारा एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। ये तीन नियम है आप सभी को पता होना चाहिए, इजी क्वेश्चन था। चलिए तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं कौन सा है। तो यहाँ पर तीन सही जवाब है। BTU is the measurement of, BTU किसकी माप होती है, टेम्परेचर एरिया वॉल्यूम या हीट कंटेंट, ठीक है क्या होना चाहिए सही जवाब जल्दी से बताइए। यहाँ पर लोग बोल रहे हैं सर होना चाहिए अमित को कि सर ये आयतन का होता है, टेम्परेचर कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्रीति का मानना है कि सर होना चाहिए इस हीट कंटेंट की तरफ, जितने लोग जा रहे हैं वो सही हैं क्योंकि ब्रिटिश थर्मल यूनिट ये इसका मान होता है। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ, 1 BTU जिनको नहीं पता है नोट कर लेना इज इक्वल टू 1055 जूल। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 BTU इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल क्वेश्चन पूछ सकता है, या अगर आप इसको कैलोरी में कन्वर्ट करोगे तो 252 ग्राम कैलोरी, ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ये क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। तो ब्रिटिश थर्मल यूनिट नेहा मैंने आपको बता दिया भाई, समझ में आया नेहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ राउंड रेवोल्यूशन, हमारे देश में जो गोल क्रांति है वो किससे संबंधित है, फिशेस टोमेटोज पोटैटोज या ऑयल सीड, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। तो यहाँ पर मनीष बोले हैं सर आलू होना चाहिए, ठीक है आलू की तरफ, पोटैटोज की तरफ लोग जा रहे हैं। हमारे देश में रेवोल्यूशन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर पोटैटो सही जवाब है, आलू इज द राइट आंसर। अगर हम लोग बात करें फिशरीज की तो ये ब्लू रेवोल्यूशन के नाम से आता है, टोमेटोज के लिए कोई रेवोल्यूशन नहीं हुआ है। अगर मैं ऑयल सीड या तिलहन पूछूंगा तो ये येल्लो रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाएगा, तो ये भी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछने वाला है, देखिए यहाँ पर आर्टिकल 21A फाइनली केम इनटू एक्ट, ठीक है हमारे देश में जो राइट टू एजुकेशन है जिसको हमारे देश में कब लागू किया गया था, संविधान में तो लिख दिया गया था लेकिन उसको मैंडेट कब से किया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जल्दी से जवाब दीजिए फिर हम लोग इसके बारे में कुछ बातें करेंगे, जल्दी जल्दी फटाफट जवाब दीजिए। आज मनीष गहलोत का वीडियो लॉन्च होने वाला है, आई थिंक अभी तक हो भी गया होगा यूट्यूब पे, ठीक है तो जितने भी लोग वो वीडियो को देखेंगे प्लीज उसके नीचे कमेंट करिएगा, अपनी सिचुएशन बताइएगा कि आप क्वारंटाइन सिचुएशन में लॉकडाउन सिचुएशन में कैसा फील कर रहे हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1 अप्रैल 2010, ये है इसका सही जवाब। और अगर हम लोग बात करें 86 अमेंडमेंट में अटल बिहारी वाजपेयी ने 2002 में हमारे देश में प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने की स्वतंत्रता में एक संशोधन किया था और 21A को जोड़ दिया था, जिसको पूरी तरीके से लागू किया गया था 1 अप्रैल 2010 स्कूल चलो अभियान के साथ, ये था इसका सही जवाब। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अभी आपको बताना है कि सबसे बड़ी कोस्टल लाइन कौन से राज्य की है, महाराष्ट्र उड़ीसा केरला या गुजरात, क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। यहाँ पर ऋतु का मानना है सबसे पहले कि सर गुजरात होना चाहिए, फिर इसका का मानना है मनीष प्रीति सोनाली अमित मैरी दास, अच्छा दास जो है सबसे पहले मुझे गुड मॉर्निंग बताया, युवराज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लेकिन युवराज के कमेंट नहीं दिखाई देते हैं, अमित रिसु सभी का मानना है कि सर गुजरात जो है वो सही जवाब है, ठीक है ललिता का भी मानना है, ऋतु का मानना है, टॉमी की क्या नाम है, टॉमी नाम बड़ा खतरनाक लगता है। तो हमारे देश की अगर टोटल कोस्टल लाइन देखी जाए, हमारे देश की जो टोटल कोस्टल लाइन जिसमें हमारे मेन लैंड को इंक्लूड किया है, मतलब हमने उसमें अंडमान और निकोबार को इंक्लूड नहीं किया है, तो हमारे देश की टोटल जो कोस्टल लाइन है वो है लगभग 7516.6 किलोमीटर, ठीक है इसमें से 1214.7 मतलब 1214 किलोमीटर लगभग 15 भी बोल सकते हैं के साथ गुजरात जो है वो टॉप पे आता है, गुजरात जो है वो सबसे पहले आता है, फिर उसके बाद से हमारे बाकी के स्टेट आते हैं, तो ये चीजें आप याद रखनी, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है फिर तमिलनाडु, फिर उसके बाद से महाराष्ट्र,
जाते हैं। लेकिन अगर मैं यूनियन टेरिटरीज को भी ऐड कर दूं तो सबसे ज्यादा लगभग 1900 किलोमीटर तक की कोस्टल लाइन जिसके पास है वो अंडमान और निकोबार है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, टॉमी चौधरी, बिल्कुल गजब नाम है भाई तुम्हारा, टॉमी चौधरी। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछने वाला है कि आपको इनर प्लैनेट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो अभी आपको बताना है इनमें से कौन से हमारे इनर प्लैनेट्स बोले जाते हैं। सामने नाम लिखे हुए, जल्दी से बता दीजिए क्या होना चाहिए सही जवाब, बड़ा सोच के बताइएगा, क्योंकि इनर प्लैनेट के बाद हमारे शुरू हो जाते हैं जेवियन प्लैनेट्स, मतलब विशाल ग्रह, गैसीय ग्रह शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर लोगों का मानना है सर होना चाहिए चार नंबर, सबसे पहले आता है मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, उसके बाद से हमारी एस्ट्रॉइड बेल्ट आती है, उसके बाद से आता है हमारा क्या, तो जुपिटर, उसके बाद से आता है हमारा सैटर्न, उसके बाद से आता है हमारा यूरेनस जो कि टिल्ट है, और उसके बाद से लास्ट में आ जाता है नेपच्यून। इनको हम लोग बोलते हैं जेवियन प्लैनेट या गैसीय ग्रह, इनको हम लोग बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट या स्थलीय ग्रह बोलते हैं। इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, ठीक है, क्यों डेंसिटी कम होती है, क्योंकि गैस की डेंसिटी ऑटोमेटिक कम होती है। ये हमारे स्थलीय ग्रहों पे लैंड पाई जाती है, इसलिए इनकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होती है। लेकिन क्वेश्चन एक ये है कि इन सभी हमारे प्लैनेट्स में सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन से ग्रह की होती है, जल्दी से बताओ, फिर मैं तुम्हें उस ग्रह के अंदर ले जाऊंगा जो भी इसका नाम बताएगा। सबसे ज्यादा डेंसिटी, सबसे ज्यादा घनत्व तो कौन से ग्रह का होता है, जवाब दो और इस बॉक्स के अंदर अपना नाम लिखवाओ। कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑटोमेटिक नेपच्यून सबसे हो जाएगा, तो यहाँ पर गौरव बग्गा ने सबसे पहले नाम बताया है कि सर अर्थ होना चाहिए, अर्थ, उसके बाद से चंद्रकला ने बताया है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर गौरव और चंद्रकला का नाम लिखना चाहता हूँ। गौरव ने बिल्कुल सही बताया कि सर अर्थ जो है इसका सही जवाब है। लेकिन सबसे कम किसका होता है, तो कम होता है सैटर्न का, सैटर्न जो है उसका सबसे कम होता है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही पिक किया है, जुपिटर सबसे बड़ा होता है, लेकिन अर्थ का सबसे ज्यादा जो है वो डेंसिटी होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्या पूछने वाला है जल्दी से देखिए। यहाँ पर आपको बताना है कि एसआई यूनिट, हमारे जो फोर्स होता है, बल होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वॉट, न्यूटन या जूल। बिट्टू राम राम बोल रहे हैं आजकल, मतलब रामायण का बहुत ज्यादा लोगों के अंदर इफेक्ट दिखाई दे रहा है। चलो लोग बोल रहे हैं सर होना चाहिए न्यूटन की तरफ जा रहे हैं सर, न्यूटन फोर्स जो कि हमारी एक एसआई यूनिट होती है। चलो जल्दी से यहाँ पर बताओ, चलो उसका नाम मैं बॉक्स के अंदर लिख दूंगा, बहुत इजी क्वेश्चन हो जाएगा। फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, वॉट इज द सीजीएस यूनिट ऑफ फोर्स, बल की इकाई सीजीएस पद्धति में क्या होगी। लोग बोले मरीज बोले सर सीजीएस में अर्ग होनी चाहिए, लोग अर्ग बता रहे हैं लेकिन गलत है, क्योंकि यहाँ पर अमित का मानना है कि सर डाइन होनी चाहिए, डाइन जितने भी लोग बता रहे हैं वो सही है, अमित ने बिल्कुल सही बताया, क्योंकि अर्ग तो भैया कार्य की होती है और ऊपर कॉन्फिडेंस जो हो जाते हैं उनका यही होता है, कार्य की अर्ग होती है, लेकिन फोर्स की क्या होगी, तो फोर्स की होगी जैसे अमित ने बताया सर डाइन होगी, जैसे प्रदीप बता रहे हैं। ठीक है, तो ये था इसका सही जवाब, न्यूटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला राजीव रंजन, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन तो हमारे पास नहीं है, मतलब क्वेश्चन आज ही हो जाते खत्म, इसका मतलब आज का सेशन हम लोग यहीं पर खत्म करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, लेकिन हम लोगों का जो घर पे बैठे हुए हैं, तो कल बहुत लोगों को मैंने काम दिया, बहुत सारे लोगों को हमने काम करवाया भी, वीडियो उनसे बनवाया, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी अपने जो सिचुएशन है उस वीडियो के नीचे कमेंट के फॉर्म में लिखिए, इस वीडियो के पीछे नहीं, अभी वो वीडियो आपको यूट्यूब पे दिखाई देगा, उस वीडियो को देखिएगा जिसपे हम लोगों ने लॉकडाउन में किस तरीके से परफॉर्म किया है। हम लोगों ने आज मतलब 17 अप्रैल को जो हमारी हो सकते हैं राधा कृष्णन की जो हमारी एनिवर्सरी है, डेथ एनिवर्सरी, पुण्य तिथि है, उसके ऊपर हम लोगों ने वीडियो बनाया है, बच्चों ने बनाया सबसे पहले जो हमारे साथ यहाँ पर रेगुलर आते हैं। तो आप भी अपने हौसला अगर बुलंद है तो आप भी हैशटैग हौसला बुलंद करके उस वीडियो के नीचे अपनी बातें लिख सकते हो, और हम फिर आपको कॉल करेंगे और आपसे एक वीडियो शूट कराएंगे जिसको पूरी की पूरी इंडिया जो है वो देखेगी। आज आपका नाम नहीं, आपका वीडियो बनाने की हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लिखना है हौसला बुलंद, हौसला बुलंद हैशटैग, और आपको उस कमेंट करना है वहां पे, तो सभी लोग वहां पर कमेंट करिएगा। तो गोपाल उस वीडियो को भी देखिएगा, आपके टेक्स्ट बुक के चैनल पर अभी अपलोड हो गया होगा। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में ठीक 5 बजे, जितने लोग नहीं जुड़ते हैं 5 बजे वो कहीं ना कहीं अपना नुकसान करते हैं, क्योंकि इस क्लास में हम लोग एंजॉय भी करते हैं, मजे भी करते हैं और क्वेश्चंस को भी पढ़ते हैं,
और अपना नाम बॉक्स के अंदर भी लिखवाते हैं। तो मिलते हैं अपनी कली क्लास में, टिल देन हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन कुछ भी हो जाए, कोई कितना भी कहे, बुलाती है मगर जाने का नहीं। मिलते हैं अपनी कली क्लास में, हैव अ गुड डे एंड बेस्ट ऑफ लक।